म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सभी का तहे दिल से स्वागत। जेम्स ऑफ गोल्डन एरा यानी कि स्वर्ण युग के मौलिक रत्न, यह है आज के हमारे इस प्रोग्राम की संकल्पना। दोस्तों, हिंदी फिल्म संगीत वाकई में एक अजूबा है। शब्द और सुरों की एक गंगा जमनी धारा भावना भरी सरस्वती को लेकर एक शताब्दी से कल कल करती बह रही है और इस त्रिवेणी ने हमारे जहन में, हमारे मन में एक सुंदर सी दुनिया बसा ली है जहाँ वक्त और बेवक्त हमारा बसेरा होता है। एक समर्थ रचनाकार, एक प्रतिभाशाली संगीतकार उस बहुरूपीय की तरह होते हैं जिनकी झोली में पूरी जहाँ को चौंका देने वाला एक तिलिस मौजूद होता है जिसे हम हमारी संगीत की भाषा में गीत कहते हैं। भुलायन बने ऐसे ही तिलिस्मी गीतों का एक कारवां आज के इस प्रोग्राम में खास आपके लिए।
खैर, जब भी दिल उदास होता है कोई ना कोई गीत ज़रूर हमारे आसपास होता है। स्वागत हमारे 50 काबिल, विख्यात और माहिर वादक कलाकारों का, जिनके हुनर से हेमंत कुमार म्यूजिकल ग्रुप के हर प्रोग्राम को चार चांद लग जाते हैं। ये हमारा हिस्सा है, तो तालियों की एक ज़ोरदार गूंज आपसे मिली, इसके लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। और आज के हमारे म्यूज़िक अरेंजर, सास कोई भी हो, चाहे पिकोलो हो चाहे बांसुरी हो, मोहित, सबको मोहित करने का हुनर रखते हैं। तो मोहित शास्त्री के लिए तालियों की एक गूंज, आपका बहुत बहुत स्वागत। और आज के हमारे कलाकार सभी, आप सभी को बहुत पसंद करते हैं, मुख्तार शाह, गौरी कवि, आलोक काटधरे, वैभव वशिष्ठ, सूर्जो भट्टाचार्य, रीमा गिरकर, माधुरी डे, आशीष श्रीवास्तव और आदिल शेख, एक तालियों की गूंज उनकी हौसला अफजाई करने के लिए। खैर, आपसे अनुमति लेकर आगे बढ़ना चाहती हूँ पहले गीत की ओर। दोस्तों, अल्लाह तेरो नाम और प्रभु तेरो नाम, ये दो फिल्म हम दोनों की गीत सुनकर जिसके मन में इबादत या भक्ति भावना न जागी हो उसे इंसान कहना मुश्किल है। रूपक ताल में और राग गौड सारंग में निबद्ध अल्लाह तेरो नाम तो लता जी के गाए सर्वश्रेष्ठ गीतों में गिना जाता है। आपको याद होगा कि सालों बाद जब मलिकाए तरन्नुम नूरजहाँ भारत के दौरे पर आई थी तो उनके स्वागत समारोह में लता जी ने खास तौर पर ये गाना पेश किया था। साहिर जयदेव जी और लता जी की प्रतिभा का सम्मिलित आविष्कार, पहला गीत गौरी कवि। Thank you.
दुनिया की श्रेष्ठतम 10 संगीतमय फिल्मों में मधुमति फिल्म का स्थान बहुत ऊंचा है, आप सभी जानते हैं। गीत और संगीत से सराबोर ये फिल्म, गीत और संगीत इस फिल्म की आत्मा ही थे। सलील दा कितने महान संगीतकार थे इसे साबित करने के लिए सिर्फ एक मधुमति फिल्म का संगीत काफ़ी है। कहने का मतलब ये है कि सलील दा ने, देखिए, एक पोलिश यानी कि पोलैंड का मार्चिंग सॉन्ग सुना था और उस तर्ज से प्रभावित होकर उन्होंने एक तर्ज बनाई जो मधुमति में उन्होंने इस्तेमाल की और आज तक वो सुहाना सफ़र जारी रहा है। कविराज, शैलेंद्र जी के बोल, मुकेश जी की आवाज़, अब यहाँ मुख्तार शाह साहब मौजूद हैं, बस हम उस गीत की ओर चलते हैं। उनकी आवाज़ की मर्यादाओं को जानकर छोटे छोटे तान और प्रतिध्वनि का बेहतरीन इस्तेमाल।
वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है जमीन पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद सुहाना सफल और ये मौसम हसी, सुहाना सफल और ये मौसम हसी, हमें डर है हम को न जाए कहीं, सुहाना सफल और ये मौसम हसी, सुहाना सफल और ये मौसम हसी। दोस्तों अगला गीत साहिर साहब का लिखा और संगीतकार रवि जी का संगीत निर्देशित। साहिर साहब के लिखे गीतों पर आप गौर फरमाएं तो खास तौर पर उनके प्यार के नगमे प्रकृति के फलक पर लिखे गए हैं, जैसे प्यार की संवेदनाओं के साथ सृष्टि की सुंदरता को जोड़ना या प्रकृति के रंगों के साथ भावनाओं को मिलाना उनकी फितरत थी, उनकी आदत थी। अब मिसाले तौर पर जैसे कि ये वादियाँ ये फिजाएँ बुला रही हैं तुम्हें, या इन हवाओं में इन फिजाओं में जैसा गीत, या फैली हुई है सपनों की बाहें, पिघला है सोना नील गगन पर, या जो गीत हम अभी आपको सुनाने जा रहे हैं नीले गगन के तले, 1966 की फिल्म हमराज, महेंद्र कपूर का गाया गीत आपके सामने पेश हो रहा है और पेश करने के लिए आ रहे हैं वैभव वशिष्ठ। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। शबनम के मोती फूलों पे बिखरे, दोनों की आस पले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। बल खाती बेले मस्ती में खेले, पेड़ों से मिल के गले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। नदियां का पानी दरिया से मिलके सागर की ओर चले, तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह, ऐसे ही शाम ढले, नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। Hey
बहुत खूब वैभव। इन सब गीतों की अपनी अपनी महक है। खैर आगे चलते हैं दोस्तों। दर्द ज़माने में कम नहीं मिलते, सबको मोहब्बत के गम नहीं मिलते, टूटने वाले दिल होते हैं ख़ास। लिखने वाले कविराज आनंद बख्शी। हमें फुर्सत नहीं मिलती कभी आंसू बहाने से, कई गम पास बैठे तेरे दूर जाने से। ये भी लिखने वाले आनंद बख्शी। और जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं जैसा, दिलकश सवाल पूछने वाले भी आनंद बख्शी। चलिए खैर यही सवाल सुनते हैं गीत के रूप में। लता जी का गाया ये गीत, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का संगीत, 1971 की फिल्म महबूब की मेहंदी। रमा गिरकर आपके सामने ये इस गीत को पेश करने के लिए पधार रही हैं। सिर्फ इतना ही आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि इस फिल्म में लीना चंदावरकर की मीठी छवि बिल्कुल हम भूल नहीं सकते कभी भी। आप कभी भी इस गीत को देखिए, लता जी की आवाज़ के साथ बिल्कुल तन्मय होकर लीना चंदावरकर जी की छवि हमें बिल्कुल हॉर्न करते जाती है पूरी फिल्म में। आइए सुनते हैं। जाने लोग, जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं। इस ज़माने
राजेश रोशन वो पहले संगीतकार रहे हैं जिन्होंने अमिताभ जी को अपने फिल्म में गीत गाने के लिए खैर मना ही लिया। 1974 से आज तक बड़ी चेतना से भरे गीत राजेश जी ने हमारे लिए पेश किए हैं। दोस्तों याराना फिल्म का गीत सुनते हैं, एक ऐसा गीत, एक ऐसी तर्ज जो रविंद्र संगीत से प्रभावित है। आपका पसंदीदा गीत है छूकर मेरे मन को, और जो तर्ज है रविंद्र संगीत की, तोमार होलो शुरू। याराना की और एक खासियत आप भूले नहीं होंगे कि अमजद खान पॉजिटिव भूमिका में मिलते हैं और सभी गाने पॉपुलर हैं। वो इलेक्ट्रिक बल्ब वाले सूट के लाइट्स तो खुद अमिताभ जी ने नाचते नाचते ऑपरेट किए थे। खैर अभी छूकर मेरे मन को और आलोक काटदरे। Thank you. Thank you.
बहुत बढ़िया, अगली पायदान पर बहुत बेहतरीन गीत। सुरों के महासागर शंकर जयकिशन और हसरत जयपुरी साहब, हम सबको आबाद करने वाली जोड़ी। अब इन दोनों का जिक्र हम अगर एक साथ करें तो रंगोली सजाओ, ये मेरा प्रेम पत्र पढ़कर, अजहुनाए बालमा, बाहरों फूल बरसाओ, दुनिया बनाने वाले, जैसे कई गीत हमारे मन में गूंजना शुरू हो जाता है। खैर, अब आइए वो गीत सुनते हैं जिसके लिए सूरजू भट्टाचार्य आ चुके हैं। तो वो मन्नादा का गाया गीत सुनते हैं फिल्म मेरे हुजूर का, जिसके लिए मन्नादा को बतौर सर्वोत्तम पार्श्व गायक राष्ट्रीय सम्मान से नवाजा गया, और ये गीत राग दरबारी कानड़ा में निबद्ध है। इंद्र धनुष का लोच कमरिया
वृंदावन की जैसे गुजरिया भाव निरत से कर दे जादू, भाव निरत से कर दे जादू, आग में आग लगाए पायली आए, जनक जनक तोरे बाजे पायली आए, जनक जनक तोरे बाजे पायली आए, प्रीत के सुनाए पायली आए, जनक 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 तोरे बाजे पायली आए, प्रीत के गीत सुनाए पायली आए, जनक 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 दोस्तों जिंदगी के कुछ लम्हे इतने नाजुक होते हैं, इतने लबरेज होते हैं कि उनको छूने का भी ढाढ़स नहीं बनता, पर उनके नज़दीक से भी गुजरना हो तो साथ में मदन मोहन जी के गीत ज़रूर चाहिए। मदन मोहन जी की पहली सुपरहिट फिल्म अर्थात वो कौन थी और वो सुपरहिट गाना लग जा गले, जिसे हम आपके सामने अब पेश करने जा रहे हैं। सिर्फ कुछ क्षण इसलिए लेना चाहती हूँ कि कुछ अलग बात है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए, कि निर्देशक राज खोसला जी को जब लग जा गले की धुन मदन मोहन जी ने पहली बार सुनाई तो उन्होंने साफ साफ सुनकर उसे खारिज कर दिया था। मदन मोहन जी बड़े मायूस हो गए थे, उन्होंने दूसरे दिन मनोज कुमार जी को आमंत्रित किया और राज खोसला जी को मनोज कुमार जी के साथ फिर से एक बार वो धुन सुनाई और दूसरी बार राज खोसला जी को बहुत पसंद आ गई। तो फिर मदन मोहन जी ने उन्हें पूछा, कल आपको क्या हो गया था, कल इसी धुन को आपने नापसंद किया था? तो राज खोसला जी शर्मा कर बोले, न जाने मैं कौन सी दुनिया में था, खैर ये धुन रख लीजिए। अगर उन्होंने उसे नापसंद करके खारिज कर दिया होता तो एक बहुत बेहतरीन गाने से हम वंचित रह जाते थे। राजा मेहदी अली खान साहब, मदन मोहन, लता मंगेशकर और अभी गौरी कवि। की
दृष्टिहीन होने के बावजूद आंखों के बारे में मौलिक लिखने वाले गीतकार संगीतकार रविंद्र जैन जी, सुनैना आज इन नज़ारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते ही देखूं। मेरी प्रीत का काजल तुम अपने नैनों में मले आना या अखियों के झरोखों से। आइए लगे हाथ वही गीत सुनते हैं। गौरी जी, पहले लता मंगेशकर जी, अब हेमलता जी। अखियों के
बहुत बहुत धन्यवाद। अगली तर्ज जिसे हम सही मायने में क्रांतिकारी तर्ज कह सकते हैं, ट्रूली अ पाथ ब्रेकिंग सॉन्ग मदन मोहन जी का, हॉन्टिंग ट्यून से हमेशा उनको लगाव रहा है। ये तर्ज उनकी बेहतरीन तर्जों में से एक मानी जाती है। पर्दे पर जब हम उसे देखते हैं तो इतना असर नहीं होता, लेकिन सालों साल धीरे धीरे सुनते जाते हैं तो इस गीत की विशेषताएँ हमारे जहन में बिल्कुल बस जाती हैं, जैसे कि मूसलाधार बारिश, बादलों की गड़गड़ाहट, बिजली की कड़कड़ाहट, समुंदर की बेकाबू लहरें और उसके साथ वॉयलिंस की तेज़ तेज़ होती जाती गति। खैर, इन सबको एक साथ मिलाकर पहली बार नए ढंग का वेस्टर्नाइज्ड ऑर्केस्ट्रेशन मदन मोहन साहब ने इस्तेमाल किया और देखिए उसका क्या असर हो गया। धुन पहले बनी थी, कैफी आजमी साहब के बोल बाद में जन्म लिए। लता रफी का गाया 1973 की हंसते जख्म फिल्म का गाना गाने के लिए आशीष श्रीवास्तव जी। लगता है ये जहां मिल गया, जहां मिल गया। एक भटके हुए राही को लगता है कि जहाँ मिल गया, कि जहाँ मिल गया। साया हो तुम क्या जानो तो
मेहरबान मिल गया है जहां से आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। खैर, देशभक्ति पर, भक्ति पर और संदेश वाहक गीत लिखकर जिन्होंने अपना नाम हिंदी फिल्मी संगीत की दुनिया में अजर अमर कर दिया, ऐसे महाकवि प्रदीप, जबरदस्त आकर्षक आवाज के धनी शीघ्र कवि, चार मिनटों में एक ऐसी कविता लिख जाते थे कि पूरी जिंदगी का निचोड़ उसमें रहता था। और जब भी उनकी कोई कविता जन्म लेती थी तो अपनी एक धुन के साथ, बहुत सारे संगीतकार इसलिए उनसे खफा भी हो जाते थे। पहले पहल ये बात ओपी नैयर साहब को भी बड़ी अजीब लगी थी, पर उनकी प्रतिभा को महसूस करने के बाद दोनों के सहयोग से एक बहुत ही सुंदर नगमा जन्म लेता गया। फिल्म संबंध 1969, चल अकेला चल अकेला। मुकेश जी का ये गीत आपके सामने पेश करने के लिए मुख्तार शाह साहब। Thank you.
अकेला तेरा मेला पीछे झूठा राही चल अकेला चल अकेला चल अकेला चल अकेला तेरा मेला पीछे झूठा राही चल अकेला जमाने में कोई एक ऐसा गीत रहे कि थोड़ा सा ठहर कर अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर हम आगे निकल जाएं, लेकिन खैर आगे चलते हैं अगली पायदान पर। एक बहुत बेहतरीन गीत, बॉस, सही मायने में बॉस आर डी बर्मंदा। वेस्टर्न, लैटिन, ओरिएंटल तथा अरेबिक सभी संगीत की विधाओं में वो उन्हें बहुत गति थी, उससे बहुत प्रभावित थे और उसकी सही इस्तेमाल से उन्होंने अपनी तर्जों को अनोखापन दे दिया। इलेक्ट्रॉनिक रॉक संगीत, डिस्को और रॉक का सम्मिश्रण, रॉक संगीत को बंगाली लोकधारा के साथ इस्तेमाल करना, तरह तरह के साउंड्स की अहमियत बढ़ाना और भारतीय संगीत में विदेशी साजों का सही उपयोजन करके उसे नई दिशा दिलाना, ये सब
करते समय उनके साथ आशा जी की आवाज़ थी। आइए सुनते हैं सनम तेरी कसम फिल्म का गुलशन बावरा का लिखा वो नगमा जिसने उन्हें पहली बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया। आइए सुनते हैं निशा, माधुरी दे और वैभव वशिष्ठ। आइए स्वागत करते हैं माधुरी जी का। Thank you.
माधुरी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक एकदम अलग सा रंगब। देखिए खामोशी, गुलजार, किशोरदास, हेमंत कुमार जी सबकी लिखी एक कविता है। गुलजार जी की जो प्रतिमा सृष्टि है, द वर्ल्ड ऑफ इमेजरी, या शब्दों का इस्तेमाल करने का उनका जो अपना एक ढंग है, उसका ठोस परिचय फिल्म खामोशी से हमें हुआ। हमने देखी है इन आँखों की महकती खुशबू, इस तरह की कहन हमने तब तक सुनी नहीं थी। मेरा कहने का मतलब ये था, एक ऐसा वाक्य है गुलजार जी का, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप गौर फरमाएं। उन्होंने कहा है कि आई टेंड टू मैरी ऑफ वर्ड्स दैट आई नेवर मेट बिफोर, जो शब्द कभी मिले ही नहीं उनका निकाह में लगाना चाहता हूँ, बनाना चाहता हूँ। तो ये उनका जो उनकी जो सोच है ये बहुत बेहतरीन है। फिल्म खामोशी पर्दे पर लिखी कविता ही तो थी। आइए किशोरदा का भावभीना गीत आलोक जी। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है, के साथ आ रही है वो शाम।
अचानक से लगने लगता है कि मैं कोई दुष्ट चीज़ हूँ जो आपके सामने खड़ी हूँ, क्योंकि ये जो निर्णय है ये हम लोग नहीं लेते, तो जाहिर है कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं होंगे और अपना सारा ध्यान अगली गीत की ओर केंद्रित करेंगे। आइए आइए, आर डी बर्मन साहब और मजरू सुल्तानपुरी एक ऐसी अफलातून रस यात्रा है जो तीसरी मंजिल से शुरू होकर बहारों के सपने दिखाकर यादों की बारात लेकर आ गई और एक कारवां बन गया। आइए 1967 की फिल्म बहारों के सपने, मन्नादा और लता जी का गाया शूरजो और गौरी। संभाल करी उड़ी चली जाए रे, हाय चुनरी संभाल करी उड़ी चली जाए रे, मारना ते टंक सही नजर जोई है। चुनरी संभाल करी उड़ी चली जाए रे, मारना ते टंक सही नजर जोई है। अर्जेंट देख पगन फिसल जाए, we'll be right back.
अब मैं इसलिए थोड़ा सा बोलूंगी कि एक रंग दूसरे रंग में मिल न जाए, बस यही ख्वाहिश है। शाम हर दिन जो आती है बड़ी पागल चीज़ है। गुलजार साहब ने सही फरमाया है कि दिन और रात उसके बीच बसती है शाम। दिन उसे अपने साथ ले नहीं जाता, रात उसे अपनाती नहीं। बेचारी शाम फिर क्या करें, हमें ही आकर लिपटने लगती हैं। जिसके आमद का इंतज़ार हो तो वो तो आने से रह जाता है और तरह तरह के आभासों के आहटों के साए हमारे इर्द गिर्द मंडराने लगते हैं। सिर चकरा जाता है बिल्कुल, भावनाओं का जैसे समंदर उमड़ आता है और ऐसे में अचानक कोई सपनों के दीप जलाकर चला जाता है। आइए सलील चौधरी जी का श्यामल संगीत, मुकेश जी की आवाज़ का दर्द और योगेश जी की सर्वोत्तम रचना फिल्म आनंद, और जिसके लिए मैं यहाँ आमंत्रित कर चुकी हूँ मुख्तार शाह साहब को। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, दीप जलाए कहीं दूर
चुपके से आए। बहुत सुंदर, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिल्म सरगम सिरी सिरी मुआ नाम के तेलुगु फिल्म का रीमेक था, आप तो जानते ही होंगे, लेकिन घुंघरू और डफली के बोलों की प्यार की भाषा ने लक्ष्मी प्यारे जोड़ी को बतौर सर्वोत्तम संगीतकार फिल्म फेयर सम्मान दिलाया और गीतकार आनंद बख्शी जी को खूब सारी सराहना। कोयल बोली इस गीत को फिल्माया गया था राजमुंद्री में गोदावरी के तट पर, तो पर्वत के उस पार को ऊटी में, और जो गीत अभी आपके सामने गौरी और वैभव पेश करने वाले हैं उसको फिल्माया गया था कश्मीर की वादियों में। डफली वाले डफली बजा। Thank you.
छूने लगा है। आंखों के रास्ते तू हंसते हंसते दिल में समाने लगा है। उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी दिखाओ, उन्हें भी बुलाओ, कहाँ है ये दुनिया वाले रफनी वाले रफनी बजा मेरे घुंघरू बुला के ले आ बना चूं तू न जा। तालियों के लिए बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप ये प्रोग्राम एंजॉय कर रहे हो। और मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम उन लोगों के बिना अधूरा है जिनके लोगो यहाँ पर है। ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं, हमारे वेलविशर्स हैं, और उनके बिना हमारा ये प्रोग्राम कभी भी नहीं हो सकता है। हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। आज यहाँ पर हमारे जो वेलविशर है, कुछ लोग ज़रूर आए हैं, उनमें से सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के चीफ कस्टमर केयर ऑफिसर नंदन श्रीवास्तव जी, कृपया वो स्टेज पर आए और उनका फेलिसिटेशन करेगी हमारे रिचा एंटरटेनमेंट की रिचा चावला जी। इसके बाद बैंक ऑफ इंडिया के मिस्टर राधा नाथकर, जनरल मैनेजर एचआर, इनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो स्टेज पर आ जाएं और इनका फिलिसिटेशन करेगी गौरी कवि। साथ ही साथ बैंक ऑफ इंडिया के मिस्टर एमके गुप्ता भी यहां पर आए होंगे, उनसे भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर आए, इनका फेलिसिटेशन करेगी माधुरी डे। एनपीसीआई से भरत पांचाल जी यहाँ पर मौजूद हैं, उन्हें मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो स्टेज पर आए। इनका मुझे बहुत सहयोग हुआ है और नसीब वालों को ऐसे दोस्त हासिल होते हैं, उनमें से भरत पांचाल जी एक हैं। इनका स्वागत करेगी योगिता प्रभु। योगिता प्रभु, इनके बारे में एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये जो सारे गिफ्ट हम दे रहे हैं ये फुंडाघाट के हैं और उसकी ये ओनर है। थैंक यू। बैंक ऑफ बड़ौदा से कोई जीएम आए हो तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आ जाए। बैंक ऑफ बड़ौदा मिस्टर महेंद्र गोहिल जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो स्टेज पर आ जाए, मिस्टर महेंद्र गोहिल, क्योंकि एक ज़माने में बैंक ऑफ बड़ौदा में उन्होंने काफ़ी सहयोग हमें दिया है, काफ़ी योगदान उन्होंने हमें दिया है। और उनका स्वागत करेगी रीमा गिरकर। थैंक यू वेरी मच। दोस्तों, प्रोग्राम फिर आगे बढ़ाते हैं और बहुत ही प्यारा गीत, ये इंटरवल के पहले का गीत होता है, आपके सामने पेश कर रहे हैं वैभव वशिष्ठ।
10 मिनट के अंतराल के बाद फिर से एक बार मिलते हैं, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए अर्धविराम।